हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अमृता की स्टोरी पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं द स्टोरी ऑफ अमृता। दिस इज अ ट्रू स्टोरी फ्रॉम लॉन्ग लॉन्ग अगो। ये एक बहुत बहुत पुरानी एक सच्ची कहानी है। ऑलमोस्ट 300 ईयर्स अगो, 300 साल पहले की कहानी है ये। और ये कहानी है एक गांव की, इन ए विलेज कॉल्ड खिजाडली। यहाँ पे इस गांव का नाम खिजाडली विलेज है, जहाँ पे अमृता रहती थी, लिव्ड अमृता। खिजाडली विलेज इज नियर जोधपुर इन राजस्थान। राजस्थान में जोधपुर के करीब एक गांव है खिजाडली। तो उस खिजाडली विलेज में, खिजाडली गांव में अमृता नाम की एक गर्ल रहती थी। द विलेज गॉट इट्स नेम बिकॉज ऑफ द मैनी खिजाडी ट्रीज दैट ग्रू देयर। इस गांव में बहुत सारे खिजाड़ी पेड़ थे, जिन पेड़ों की वजह से इस गांव को ये नाम मिला, खिजाडली गांव या खिजाडली विलेज। द पीपल ऑफ दिस विलेज टुक ग्रेट केयर ऑफ द प्लांट्स, ट्रीज एंड एनिमल्स। यहाँ के लोग बहुत ही केयर करते थे, बहुत अच्छी तरह से देखभाल करते थे प्लांट्स की, ट्रीज की और एनिमल्स की। पेड़ पौधे और पशुओं की देखभाल वो बहुत अच्छे से करते थे, वो उनका बहुत ख्याल रखते थे। गोट्स, डियर, हेयर्स एंड पीकॉक्स रोम्ड फियरलेसली देयर। तो इस जगह पे गोट्स, जो बकरियां हैं, डियर, हेयर्स, खरगोश, पीकॉक, ये सब बिना डर के ही इधर उधर घूमा करते थे। द पीपल ऑफ द विलेज रिमेम्बर्ड व्हाट देयर एल्डर्स यूज्ड टू टेल देम। तो गांव के जो लोग थे उन्हें याद था कि उनके बड़े बुजुर्ग क्या कहा करते थे। वे कहते थे, दे यूज टू से, वे कहते थे, अगर पेड़ है तो हम हैं, अगर पेड़ है तो हम हैं, अगर पेड़ ना हो तो हम जीवित भी नहीं रह पाएंगे, हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, पेड़ों से हमें फ्रूट्स वेजिटेबल्स मिलते हैं, पेड़ों से हमें टिम्बर्स मिलते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन सर्वाइव विदाउट अस, बट वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट देम। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स तो हमारे बिना रह सकते हैं, जीवित रह सकते हैं, सर्वाइव मतलब जिंदा रहना। प्लांट्स और एनिमल्स हमारे बगैर जिंदा रह सकते हैं, क्योंकि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, जबकि एनिमल्स प्लांट्स को खाते हैं। तो ये, इनको जिंदा रहने के लिए हमारी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें जिंदा रहने के लिए प्लांट्स और एनिमल्स दोनों की ही ज़रूरत है। अमृता'स फ्रेंड्स, अब अमृता के दोस्तों को देख लेते हैं। अमृता वुड गेट अप अर्ली एवरी मॉर्निंग एंड ग्रीट हर फ्रेंड्स द ट्रीज। अमृता हर दिन सुबह बहुत जल्दी उठ जाती थी और अपने फ्रेंड्स के पास जाती थी, उन्हें ग्रीट करती थी, गुड मॉर्निंग कहती थी। यहाँ पे देखिए, अमृता अपने फ्रेंड के पास जाकर उन्हें ग्रीट करती है। उसके जो फ्रेंड्स थे वो थे ट्रीज। शी वुड चूज अ स्पेशल ट्री फॉर द डे। वो हर दिन एक स्पेशल ट्री को चूज करती थी। शी वुड पुट हर आर्म्स अराउंड द ट्री ट्रंक एंड विस्पर टू द ट्री। वो अपने बाहों से ट्री के जो तने हैं उनको लपेट लेती थी और विस्पर करना मतलब धीरे से कहती थी, फ्रेंड यू आर स्ट्रांग एंड ब्यूटीफुल। मेरे दोस्त, तुम बहुत मजबूत हो, शक्तिशाली हो और बहुत सुंदर हो। यू केयर फॉर अस, तुम हमारी देखभाल करते हो। थैंक यू ट्री, आई लव यू वेरी मच। तो ट्री को वो धन्यवाद कहती थी और कहती थी कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। गिव योर स्ट्रेंथ टू मी ऑल्सो, अपनी शक्ति मुझे भी दे दो। लाइक अमृता द अदर चिल्ड्रन ऑल्सो हैड दिस स्पेशल ट्रीज। अमृता की तरह ही उस गांव के दूसरे बच्चों के भी अपने अपने स्पेशल ट्रीज थे। दे वुड प्ले फॉर आवर्स इन द शेड ऑफ द ट्रीज। वो घंटों उस पेड़ की छाँव में खेला करते थे। Is there a place near your house, school or along the roadside where trees have been planted? तो क्या आपके घर के पास, स्कूल या रोड के आसपास कोई ट्री है जिसको किसी ने लगाया हो, किसी इंसान ने लगाया हो? Why were they planted there? उन्हें वहाँ पर क्यों लगाया गया है? Have you seen anyone taking care of the trees? क्या आपने किसी को पेड़ों की देखभाल करते हुए या केयर करते हुए देखा है? Who does this? कौन करता है पेड़ों की देखभाल, कौन करता है? Have you seen fruits on any of the tree? क्या आपने इनमें से किसी पेड़ में फल देखे हैं?
हु ईट्स दीज फ्रूट्स, कौन इन फलों को खाता है? ललिता फील्स डेट ग्रास एंड स्मॉल प्लांट्स ग्रोइंग नियर हर स्कूल वॉल हैव नॉट बीन प्लांटेड बाय एनीवन। ललिता को ऐसा लगता है कि जो घास और छोटे छोटे पौधे हैं जो उसके स्कूल के दीवार के आसपास जो उगे हैं उन्हें किसी ने भी नहीं लगाया है। डू यू नो ऑफ एनी प्लेस वेयर ग्रास स्मॉल प्लांट्स और ट्रीज आर ग्रोइंग ऑन देयर ओन विदाउट बीइंग प्लांटेड बाय एनीवन? आपको कोई ऐसी जगह पता है जहाँ पे घास छोटे छोटे पौधे ट्रीज ये अपने आप ही उग गए हो उन्हें किसी ने भी नहीं लगाया है? Why do you feel they are growing on their own? आपको क्यों लगता है कि वो अपने आप ही वहाँ पे उग गए हैं? ट्रीज जिनकी देखभाल अमृता और बाकी जो विलेज के पीपल कर रहे थे वो भी डेंजर में आ गए थे। समय पार हुआ, अच्छा समय बीत गया। अमृता वॉज नाउ ग्रोन अप, अमृता बड़ी हो गई। वन डे शी वेंट टू ग्रीट हर ट्रीज, एक दिन वो पेड़ों से मिलने गई। शी सॉ दैट देयर वॉज सम स्ट्रेंजर्स इन हर विलेज, उसने देखा कि गांव में कुछ अजनबी घुस आए हैं। दे हैड एक्सेस विद देम, उनके हाथों में कुल्हाड़ियाँ थीं। दे सेड दैट द किंग हैड सेंट देम टू कट ट्रीज फॉर वुड, उन्होंने कहा कि राजा ने उन्हें भेजा है ताकि वो लकड़ियों के लिए पेड़ों को काट सके। यहाँ पे देखिए ये है कुल्हाड़ी, तो राजा ने इन्हें भेजा है लकड़ियाँ काट कर लाने के लिए। और इन लकड़ियों की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? द वुड वॉज नीडेड फॉर बिल्डिंग द किंग्स पैलेस, ताकि राजा का महल बनाया जा सके उन वुड से। अमृता वॉज शॉक्ड, अमृता शॉक्ड हो गई, वो हैरान हो गई इस बात को सुनकर, उसे बहुत दुख हुआ। शी वेंट टू द ट्री दैट द मैन वर अबाउट टू कट, और वो उस पेड़ के पास गई जिसको अभी एक इंसान काटने ही वाला था। यहाँ पे देखिए ये इंसान काटने ही वाला था, उस पेड़ के पास अमृता पहुँच गई। शी पुट हर आर्म्स अराउंड द ट्री, उसने अपनी बाहें ट्री के चारों ओर लपेट ली। अराउंड द ट्री एंड हग्ड इट टाइटली, और उसे कसकर उसने हग किया, कसकर उसे पकड़ लिया। द मैन शाउटेड एंड थ्रेटन्ड हर, वो आदमी जो पेड़ काटने वाला था वो उस पर चिल्लाया और उसे धमकाया भी। बट अमृता डिड नॉट लेट गो ऑफ द ट्री, लेकिन अमृता ने उस पेड़ को नहीं छोड़ा। द किंग्स मैन हैड टू फॉलो हिज ऑर्डर, तो राजा के जो आदमी थे उन्हें राजा का ऑर्डर तो मानना ही था। दे हैड टू कट द ट्री, उन्हें पेड़ों को काटना ही था क्योंकि फिर राजा उन्हें पनिश करते। ऑन सीइंग दिस, ये देखकर अमृता डॉटर्स एंड हंड्रेड्स ऑफ विलेजर्स ओल्ड एंड यंग हग द ट्रीज टू प्रोटेक्ट देम, ये देखकर अमृता के जो बेटियाँ थी वो आ गई और गांव वाले आ गए, उनमें कुछ बुजुर्ग थे कुछ जवान थे, उन सब ने ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हें जकड़ लिया, उन्हें कसकर पकड़ लिया। मैनी पीपल इंक्लूडिंग अमृता एंड हर डॉटर्स डाइड टू सेव द ट्रीज, लेकिन राजा के जो आदमी आए थे वो पेड़ को काटे बिना मान नहीं रहे थे, उन्हें पेड़ों को काटना ही था। इन पेड़ों को बचाने के लिए कई लोगों ने, अमृता ने और उनकी बेटियों ने अपनी जान दे दी। When the king heard of this, जब राजा ने ये सुना, he could not believe that people gave up their life for trees, तो उन्हें ये यकीन नहीं हो रहा था कि लोगों ने अपनी जान केवल पेड़ों को बचाने के लिए दी, तो उन्हें इस बात का यकीन नहीं हो रहा था। He visited the village himself, वो खुद उस विलेज में पहुँचे, उस गांव में पहुँचे। There he learned अबाउट विलेजर्स रिस्पेक्ट फॉर ट्रीज एंड एनिमल्स, और वहाँ पे उन्हें पता चला कि विलेजर्स जो गांव वाले थे वो पेड़ों और पशुओं को एनिमल्स को कितना रिस्पेक्ट करते थे। डू यू रिमेंबर व्हाट द एल्डर्स ऑफ दिस विलेज यूज्ड टू से, क्या आपको याद है कि इस गांव के बुजुर्ग क्या कहा करते थे? डू यू थिंक वी कुड सर्वाइव इफ देयर वर नो ट्रीज एंड नो एनिमल्स, क्या आपको लगता है कि हम जीवित रह सकते हैं अगर पेड़ ना हो, अगर एनिमल्स ना हो? डिस्कस दिस इन योर क्लास, अपने क्लास में ये डिस्कस कीजिए। द विलेज इज प्रोटेक्टेड, विलेज को सुरक्षित किया गया। द विलेजर्स स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स फॉर ट्रीज अफेक्टेड द किंग ग्रेटली, तो विलेजर्स की जो गांव वालों के पेड़ों के लिए इस तरह की भावना से राजा बहुत प्रभावित हुआ। ही ऑर्डर्ड दैट फ्रॉम देन ऑन, उसने ऑर्डर दिया कि अब से नो ट्री वुड बी कट, कोई भी पेड़ नहीं काटा जाएगा।
एंड नो एनिमल वुड बी हार्म्ड इन दैट एरिया, और किसी भी एनिमल को हानि नहीं पहुंचाई जाएगी। इवन टुडे, आज भी ऑलमोस्ट 300 ईयर्स लेटर, लगभग 300 साल बाद भी, द पीपल ऑफ दिस एरिया, इस एरिया में रहने वाले लोगों को, जिन्हें बिश्नोइस कहा जाता है, कंटिन्यू टू प्रोटेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो आज भी ये लोग प्लांट्स और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हैं या उनको बचाते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनको काटने नहीं देते हैं। इवन दो इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट, दिस एरिया इज ग्रीन एंड एनिमल्स रोम फ्रीली विदाउट फियर। राजस्थान में जो कि डेजर्ट एरिया है, तो इस डेजर्ट एरिया में भी ये जो खेजाटली विलेज है, इस विलेज में चारों ओर हरियाली ही हरियाली है और एनिमल्स यहाँ पे बिना डर के इधर उधर घूमते हैं। राइट अबाउट एनी वन ट्री, कोई भी एक ट्री के बारे में लिखिए। डज द ट्री फ्लावर, तो आप जिस ट्री के बारे में लिख रहे हैं, आपने जो ट्री देखा है जिसके बारे में आप लिख रहे हैं, क्या उस ट्री में फ्लावर आते हैं? डू द फ्लावर्स रिमेन ऑन द ट्री थ्रू आउट द ईयर, तो क्या उस पेड़ में पूरे साल ही फ्लावर्स रहते हैं? इन विच मंथ डू देयर लीव्स फॉल, कौन से महीने में पेड़ों से पत्ते झड़ जाते हैं? डू फ्रूट्स ग्रो ऑन द ट्री, क्या इस पेड़ में फल भी होते हैं? इन विच मंथ्स डू दे ग्रो, ये फल कौन से महीने में आते हैं? हैव यू ईटन दीज फ्रूट्स, क्या आपने इन फलों को खाया है? सम टाइम बैक यू हैव रीड इन द न्यूज़पेपर्स और सीन ऑन टीवी और सम फिल्म एक्टर्स हैड टू फेस लीगल एक्शन फॉर हंटिंग अ ब्लैक बग। समय पहले आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, टीवी में देखा होगा कि कुछ फिल्म एक्टर्स पर शिकार के लिए, ब्लैक बग का शिकार करने के लिए कुछ लीगल एक्शन लिया गया था। फिल्म स्टार्स पर भी लीगल एक्शन लिया गया था क्योंकि उन्होंने ब्लैक बग का हंटिंग किया था। तो अब डिस्कस कीजिए, व्हाई डू पीपल हंट, लोग शिकार क्यों करते हैं? देयर आर रूल्स अगेंस्ट हंटिंग ऑफ सम एनिमल्स, तो कुछ एनिमल्स का शिकार करने पर रोक लगा दी गई है। पीपल कैन बी पनिश्ड फॉर हंटिंग, लोगों को पनिश किया जा सकता है, सजा मिल सकती है शिकार करने के लिए। व्हाई डू यू थिंक देयर इज दिस पनिशमेंट, आपको क्या लगता है ये पनिशमेंट क्यों दी जाती है? टॉक टू योर ग्रैंड पेरेंट्स एंड फाइंड आउट, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बात कीजिए और पता लगाइए। विच बर्ड्स डिड दे सी अराउंड देम व्हेन दे वर ऑफ योर एज, तो आपके ग्रैंड पेरेंट्स जब आपकी उम्र के थे तो वो कौन से बर्ड्स अपने आसपास देखते थे, कौन से पक्षियाँ अपने आसपास देखते थे? हैव द नंबर ऑफ सम ऑफ दीज बर्ड्स बिकम लेस, तो क्या आजकल वो उतनी ही तादाद में उन बर्ड्स को देख पाते हैं या बर्ड्स की संख्या कम हो गई है? आर देयर सम बर्ड्स और एनिमल्स विच दे कैन नॉट सी एनीमोर, क्या ऐसे भी कुछ बर्ड्स और कुछ एनिमल्स हैं जिन्हें अब वो देख ही नहीं पा रहे हैं? शांति's grandfather told her that when he was a small child, he saw more birds like sparrows and myna than he sees today. तो शांति के grandfather ने शांति से कहा कि जब वो छोटे थे, sparrows और myna बहुत तादाद में वो देखा करते थे। Can you make two guesses why their numbers have become less? क्या आप बता सकते हैं, कोई दो कारण आप दे सकते हैं क्यों इनकी संख्या इतनी कम हो रही है? The Khejati tree was the most common tree that grew in Amrita's village. अमृता के विलेज में खेजाटी ट्री पाए जाते हैं। विच काइंड ऑफ ट्रीज कैन यू सी अ लॉट ऑफ इन योर एरिया, आपके एरिया में कौन से ट्री बहुत बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं? नेम टू सच ट्रीज, ऐसे दो पेड़ों के नाम बताइए। फाइंड आउट मोर अबाउट दीज ट्रीज फ्रॉम योर एल्डर्स, अपने बड़ों से इन पेड़ों के बारे में पता लगाइए। द खेजाटी ट्री इज फाउंड मेनली इन डेजर्ट एरियाज, रेगिस्तानी इलाकों में खेजाटी ट्री पाए जाते हैं। इट कैन ग्रो विदाउट मच वाटर, क्योंकि रेगिस्तानी इलाकों में पानी की कमी होती है और वहाँ पर ये ट्री पाए जाते हैं। इसका मतलब ये ट्री बिना ज़्यादा पानी के भी उग जाते हैं, इनको उगने के लिए, इनको बड़े होने के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। इट्स बार्क इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग मेडिसिंस, इनके जो छाल होते हैं, पेड़ों के जो छाल होते हैं, उनसे मेडिसिंस बनाए जाते हैं। पीपल कुक एंड ईट इट्स फ्रूट्स, और लोग इनके जो फ्रूट्स हैं इनको पका कर खाते हैं।
इट्स वुड इज सच दैट इट विल नॉट बी अफेक्टेड बाई इंसेक्ट्स, और इसकी जो लकड़ियाँ होती है इनमें कीड़े भी नहीं लगते. एनिमल्स इन दिस एरिया ईट द लीव्स ऑफ द खेजाड़ी, यहाँ के जो एनिमल्स हैं खेजाड़ी ट्री के लीव्स ही खाते हैं. एंड चिल्ड्रन लाइक यू प्ले इन इट्स शेड, और आपकी तरह के बच्चे इसकी छाँव में खेलते हैं. उम्मीद है आपको यह चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा. मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ. बाय बच्चों.